अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत फनकार उसामा ख़ान, जिन्हें अभी नई मूवी जो नए साल पर रिलीज़ हो रही है 26 जनवरी को नायाब, उसमें आप इनको देखेंगे पर्दा स्क्रीन पर। टीवी ड्रामों में तो आपने बहुत देखा इनको, अब फिल्म में भी देखेंगे। कैसे हैं उसामा साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके साथ उसामा भाई, ये बताएँ कि ये जो सिनेमा में एक सन्नाटों में आपकी फिल्म आ रही है, क्योंकि सिनेमा बहुत उदास है, आप खुद भी आपको अंदाज़ा होगा, तो हमारी नायाब जो है वो कोई रंग जमाएगी, क्या उम्मीदें हैं? देखें, एक्टर और सारी टीम तो ये कर सकती है एफर्ट के डे वन से लेके आखिर दिन तक, जितना भी उसको प्रमोट कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन ये कोई एक मूवी या फिर कोई तीन चार मूवी से सिनेमा डिवाइड नहीं हो सकती है, टाइम तो लगेगा इस सब चीज़ों में। लेकिन बस ये कोशिश है कि अच्छी चीज़ें दें ताकि ऑडियंस का एक ट्रस्ट डेवलप हो, जो देखने आए उसको लगे, बिल्कुल जो देखने आए उसको लगे कि हाँ ये ही वो चीज़ है जो दिखाई गई थी हमें ट्रेलर में, और वही चीज़ है असल में। पाकिस्तान में जो शोबिज हमारा करियर है नई नस्ल के लिए, उसमें कितनी होप है, कितनी मतलब स्पेस है अपना करियर स्मार्ट बनाने के लिए? मेरे ख्याल तो काफ़ी ज़्यादा अब ज़्यादा है, पहले नहीं थी। पहले मेरे ख्याल है जैसे हम सीनियर एक्टर से बात करते हैं तो पीटीवी के ज़माने में पीटीवी सेंटर में दाखिल होना मुश्किल होता था, तो लेकिन एक दफ़ा दाखिल हो गए तो एक ही चैनल होता था, फिर आपको कोई छोटा सा कैरेक्टर भी हो पहचान जाते थे। आजकल चैनल्स बहुत ज़्यादा है, नाम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो नाम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज तो काम तो काफ़ी है। तो आप फिल्म में नायाब के क्या है आपका कैरेक्टर? नायाब और जैन, नायाब असल में स्टोरी अगर आप देखें तो एक नायाब की स्टोरी है, और उसके साथ जितने उसके इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह के लोग होने चाहिए वो एक। जैन क्या है नायाब का? जैन नायाब का एक बहुत खूबसूरत पार्टनर है और जो उसको चाहता है कि सपोर्ट करे, और एक जैन की अपनी कहानी है कि अगर एक लड़की जो भी काम करना चाह रही हो तो उसका जो पार्टनर होता है उसको उसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, उसकी फैमिली उसको किस तरह से लेती है कि आने वाली लड़की जो उनके घर में आ रही है वो ये सब कुछ कर सकती है कि नहीं। और अगर अब ये कहानी जैन के ऊपर है कि जैन मतलब अब ये बात जैन के ऊपर आ रही है कि जैन कितनी स्ट्रगल कर सकते हैं नायाब को भी, लेकिन नायाब की कहानी अपने साथ साथ चलती जा रही है। अच्छा उसामा साहब, ये बताएँ कि आपने एक्टिंग की बाकायदा तरबियत हासिल की, या आपको जिस तरह हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं माशाल्लाह पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, जब अकेडमी आनी थी जब भी मोइन अख्तर जैसे क्या कहते हैं वो तो लेजेंड थे, हाँ अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में। हमने शुरू में मैंने एक दो थिएटर किए, अच्छा, और अब आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम सीखता है इंसान, सीख के सीखता है, तो अभी भी सीख रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा, किसे मतलब आप कोई उस्ताद कोई किसे टिप्स लेते हैं सीनियर से? देखें, जब हम जिस सेट पे भी होते हैं जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर आपको जिस तरह से डायरेक्शन देते हैं, जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट चूज़ करता हूँ तो कोशिश होती है कि अच्छे डायरेक्टर जिनका काम अच्छा हो, जिनका काम देखा हो, जिनका काम लोगों ने माना हो, क्रिटिकली एक्लेम्ड हो, कोशिश होती है। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट वो भी अल्लाह का शुक्र अच्छा है, पीछे जो मैंने किए वो भी अच्छा। अभी कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? अभी एक दो है प्रोजेक्ट, लेकिन अभी हम मूवी की बात करें। अच्छा, मूवी की बात करें, कोई बात नहीं, वैसे भी हम बात कर सकते हैं। ये बताएं कि हमारे मतलब मैं ये देख रहा हूँ पिछले 20-22 साल से कोई तीन चार हीरो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, 17 साल की लड़की के साथ भी वही आ रहे हैं, 40 के साथ वही कर रहे हैं, तो यहाँ कोई लॉबिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा क्या कहते हैं आप? एक मतलब आपने अभी जर्नी शुरू की है अपनी, बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ आपको, तो आपके क्या एहसास आते हैं? देखिए, हर बंदे ने काम करना है, हर बंदा काम करने के लिए है, तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं तो उसका मतलब अच्छा काम कर रहे होंगे, नहीं अच्छा काम कर रहे होंगे क्योंकि लोग पहले भी थे आज वो नहीं है, और आज जो है इसका मतलब कि अच्छा काम किया होगा तभी वो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए नए लोगों को मौका, लेकिन नए लोगों को मौका मिल भी रहा है, और जो अपने आप को बनवा रहे हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके इस पर मतलब ऐसी कोई रुकावटें नहीं है? नहीं, रुकावटें नहीं है, लेकिन अगर पुराने लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना करें, काम काम तो करते रहेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया, और हमारी बड़ी उम्मीदें हैं आपकी इस फिल्म से कि सक्सेस हो, था कि आप जैसे लोग उभर कर सामने आए। थैंक यू सामा भाई।